नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अमर उजाला की आज की इस वीडियो में और मैं हूं आपके साथ अंशी की जड़िया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बॉलीवुड जगत की आज की पांच बड़ी खबरों के साथ। रणबीर कपूर, बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल के ट्रेलर का फैंस को कई दिनों से इंतजार था और अब वो खत्म हो गया है। मेकर्स ने वादे के मुताबिक फिल्म एनिमल के ट्रेलर को 23 नवंबर को रिलीज कर दिया है। रणबीर कपूर की फिल्म के ट्रेलर ने आते ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है। एनिमल के ट्रेलर में रणबीर कपूर का लुक लोगों को काफी पसंद आ रहा है, तो वहीं बॉबी देओल के अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया है। किसी को बॉबी देओल की एक्टिंग पसंद आ रही है तो किसी का दिल रणबीर कपूर के लुक ने जीत लिया है। इसके अलावा लोग अनिल कपूर को लेकर भी सोशल मीडिया पर बात करते हुए देखे जा सकते हैं। फैंस ने ट्रेलर रिलीज होने के बाद रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को एकदम परफेक्ट बताया है। रणबीर कपूर स्टारर एनिमल के साथ बड़े पर्दे पर विक्की कौशल भी फिल्म सैम बहादुर रिलीज होने वाली है। ऐसे में दोनों फिल्मों के बीच बड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। एक तरफ जहां रणबीर कपूर और बॉबी देओल ने पूरी टीम के साथ मिलकर बंगला साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका, तो वहीं विक्की कौशल ने भी मेघना गुलजार और अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा के साथ स्वर्ण मंदिर गए। विक्की कौशल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर गोल्डन टेंपल की कई तस्वीरें शेयर करी हैं। इन फोटोज में उनके साथ निर्देशक मेघना गुलजार और अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा भी देखी जा सकती हैं। तस्वीरें को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, शुक्र, सब्र और सुकून। सैफ अली खान और उनकी पहली पत्नी अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान निर्देशक कयोस ईरानी की फिल्म सरजमीन से हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने वाले हैं। अभी उनकी इस फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आई है। इसी बीच एक खबर आई है कि उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार इब्राहिम अपनी दूसरी फिल्म कृणाल देशमुख के निर्देशन में कर रहे हैं, जिसके लिए हाल ही में उन्होंने चंडीगढ़ में करीब 10 दिनों की शूटिंग भी कर ली है। फिलहाल इस फिल्म का नाम दिलेर बताया जा रहा है। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसमें इब्राहिम मैराथन खिलाड़ी की भूमिका निभाते नजर आएंगे। रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी आगामी फिल्म एनिमल को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। वहीं बीते दिनों अभिनेत्री एक निजी कारण से काफी चर्चा में रहीं। दरअसल रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था। साथ ही साथ रश्मिका भी इस वीडियो से सन्न रह गई थी और बाकायदा बयान जारी कर अपना दुख साझा किया। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कहा कि उन्हें अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो से संबंधित मामले की जांच में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से उनका सत्यापन किया जा रहा है। रश्मिका मंदाना की डीप फेक वीडियो पर एक अधिकारी का कहना है कि तकनीकी विश्लेषण के हिस्से के रूप में अधिकारी उन सभी आईपी एड्रेस की पहचान कर रहे हैं जहां से वीडियो अपलोड किया गया था और उस एड्रेस का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जहां से उनका वीडियो पहली बार इंटरनेट पर अपलोड किया गया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज कुछ महीनों पहले ही मां बनी हैं। उन्होंने 1 अगस्त 2023 को अपने बेटे का दुनिया में स्वागत किया था। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के साथ अपने बेटे की तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं। इस बार भी उन्होंने अपने लाडले की खूबसूरत फोटो फैंस के साथ शेयर करी हैं। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने कुछ समय पहले अपने बेटे के नाम का भी खुलासा किया था। इलियाना ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम कोआ फिनिक्स डोनन रखा है। अब इलियाना अपने बेटे कोआ के साथ अपना पहला थैंक्सगिविंग मना रही हैं, जिसकी फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर करी हैं। बता दें कि एक्ट्रेस के इस पोस्ट पर उनके फैंस काफी कमेंट कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बॉलीवुड जगत की खबरों के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।